नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार। कल रेवाड़ी में 10वीं टॉपर और बेसबॉल की खिलाड़ी जिसे राष्ट्रपति से सम्मान मिला था उसके साथ गैंगरेप हुआ था, उसी खबर में बड़ी अपडेट आई है। नू की एसपी नाजनीन ने बताया है कि मुख्य आरोपी की पहचान हो गई है। आपको बता दें, मुख्य आरोपी पंकज, निशु और मनीष है। पंकज आर्मी का जवान है, हालांकि तीनों अभी तक गिरफ्त के बाहर हैं। आपको बता दें, अभी जो खुल के जो बात खबर सामने आई है, जो छात्रा है 19 वर्षीय छात्रा, वो अपने घर से कनिन, जो महेंद्रगढ़ का जो जिला है, वहाँ कनिन आई थी। वहाँ वो रेलवे कोचिंग की तैयारी के लिए जाती थी। वहाँ आरोपियों ने सुबह 8:30 बजे से उसके पीछा करना शुरू किया, बस का पीछा। बस में उस वक्त जो पीड़ित है वो अपने पिताजी के साथ थी और वो कनिन उतरती हैं। वहाँ पर आरोपी जो बाइक और कार से उसका पीछा कर रहे थे, वो उसे अचानक मिलते हैं और पहले आश्चर्य प्रकट करते, तुम हमसे कैसे मिल गए यहाँ पर? और वहाँ उसे नशीला पदार्थ मिला हुआ पानी पिलाते, जिसके बाद पीड़िता बदहवास हो जाती है। फिर उसे गाड़ी में बैठा कर खेत में ले जाते हैं। कल खबर आई थी कि झज्जर के एक खेत में ले गए थे। वहाँ पर अभी पीड़िता ने कहा है कि वहाँ उसे एक घर में ले जाते हैं जहाँ पर ट्यूबवेल लगा था। पहले तीनों लड़कों जो मुख्य आरोपी हैं, पंकज, निशु, मनीष, इन लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया और बाद में कुछ और लोगों ने भी उसके साथ रेप किया है। 8 घंटे तक पीड़िता उस घर में रही। बाद में इन लोगों ने वापस कनिन, जहां से पीड़िता को उन्होंने उठाया था, वहां पर उस पीड़िता को वापस छोड़ा। लेकिन हिम्मत देखिए मुख्य आरोपी की, उसने अपने फ़ोन से पीड़िता के पिताजी को फ़ोन करके बोला कि इसकी तबीयत ख़राब है, इसे आप आकर बस स्टॉप से ले जाएं। तो आप समझ सकते हैं जो अपराधी हैं उनका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा था कि वो पकड़ में नहीं आएंगे। इसके बाद ये घटना पूरे राष्ट्रीय मीडिया में आ गई। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि पुलिस अपना काम मुस्तैदी से कर रही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा पुलिस अपना काम मुस्तैदी से कर रही है, जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे। आपको बता दें, जो आरोपी के लोग सुराग देंगे उन पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है कि जो भी सुराग उन्हें देगा उनको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो नूक वो राज्य के डीजीपी हैं उनको खत लेकर इस मामले की प्रोग्रेस की रिपोर्ट मांगी है। हम लगातार इस खबर पर नज़र बनाए रखे हैं। जैसे भी कोई बड़ी अपडेट आती है, जैसे कोई गिरफ्तारी होती है, हम आपके सामने फिर वापस आएंगे। आप हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।